इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद तो लाइक करना और कमेंट में बता सकते हैं कैसा लगा। तो यहाँ पे हम गोभी के पराठे बना रहे हैं। यहाँ पे हमने गोभी को ले लिया है, इसे एकदम बारीक हम ग्रेट कर लेंगे। जो बारीक वाला ग्रेटर में जो साइड होता है ना, उसी से हम ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हम दो मीडियम साइज के प्याज को कट किया है, तीन ग्रीन चिली को कट कर लिया है और थोड़ा सा धनिया की पत्ती ले ली। अब हम थोड़ा सा इसमें तेल डालेंगे और इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल देंगे। अब हम गोभी को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, इससे जैसे कि गोभी ऐसे हम रोस्ट करके बनाएंगे तो गोभी के पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसमें से पानी भी रिलीज़ नहीं होता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको दो तीन तरीके से गोभी के पराठे बनाना बताया है, लेकिन ये वाले गोभी के पराठे एकदम बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और एकदम डिफरेंट है। देखिए, इसे हम 4 से 5 मिनट तक ऐसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं इसका कलर धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। अगर आप ऐसे गोभी के पराठे बनाते हैं तो अलग ही टाइप का इसका फ्लेवर आता है। अब इसमें हम थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। हमने यहाँ पे काली मिर्च को दरदरा कूट लिया है। अजवाइन डाल देंगे, सभी को डाल कर मिक्स कर। अभी हमने यहाँ पे नमक नहीं डाला है, हम आपको बताएंगे अभी नमक कब हमें कब इसमें डालना है। देखिए, ऐसे हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम कुक कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा गोभी कितना अच्छा खिला खिला का मतलब फ्राई हुआ है। अब यहाँ पे हमने 3 ग्रीन चिली को ऐसे कट कर लिया था, अब इसे डाल देंगे। अगर आप इसी स्टेज पे यहाँ ग्रीन चिली डालते हैं तो पराठे का मतलब टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप जब हमने तेल डाला था उस समय डालते हैं तो मिर्च पक जाता है तो पराठे उतने टेस्टी नहीं लगते हैं, और ऐसे आप डालेंगे तो थोड़े थोड़े मिर्च पक जाएंगे, इसका फ्लेवर अलग ही आता है फ्रेंड्स। तो एक बार आप बनाएं और मेरे साथ शेयर करें कि आपको कैसे लगा गोभी का पराठा। देखिए, हम 2 मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे, अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है। देखिए, अब इसमें हम 2 प्याज को कट करके रखे थे उसे डाल देंगे। आप चाहे तो इससे भी और बारीक प्याज कट कर सकते हैं, लेकिन हमें ऐसे ही थोड़े मोटे मोटे मैंने प्याज कट किया है, जिससे कि थोड़े फ्लेवर आएंगे पराठे में और वो फ्लेवर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे मतलब टेस्ट अलग ही आता है, वो अच्छा लगता है, इसलिए हमने ऐसे थोड़े बड़े बड़े कट किए हैं। अब टेस्ट के अनुसार इसमें नमक डाल देंगे, अभी हमें नमक डालना है जिससे कि इसमें से पानी रिलीज़ नहीं होगा और हमारे गोभी के पराठे आराम से बन जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में। और फ्रेश धनिया की पत्ती डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं या फिर रेड चिली पाउडर, जब हमने सारे मसाले डाले थे वहाँ पे आप थोड़ा सा इसमें रेड चिली पाउडर डाल सकते हैं, अगर आपको थोड़ा इसे और ज़्यादा स्पाइसी बनाना उसके लिए। देखिए, अब इसे हम मिक्स कर देंगे। अभी हम एक छोटी सी लोई लेंगे, अभी इसे हम स्टफिंग को फिल कर देंगे। ऐसे आप अपने हिसाब से बड़े या फिर छोटे जैसे भी आपको पराठे पसंद हो बना सकते हैं। देखिए, हमने पराठे को बेल लिया है, अभी इसे हम दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए, ऐसे किनारे किनारे से हम पहले ऐसे फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपने पहले ऐसे गोभी के पराठे इंजॉय किए कि नहीं, या फिर आपको ये फर्स्ट टाइम ऐसे इस टाइप के गोभी के पराठे बनाएंगे।
ऐसे ही करके हम और भी सारे अपने पराठे बना लेंगे। देखिए ऐसे करके हम पराठे को इसमें फिल करेंगे, फिर इसके हल्के हाथों से, ऐसे हल्के हल्के हाथों से हम पराठे बेल लेंगे, बेल कर तैयार कर लेंगे। देखिए एकदम हल्के हाथों से ऐसे बेलना है इसे। अब इसे हम दोनों साइड से सेक लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसमें घी लगाया है, आप यहाँ पे घी या फिर बटर या फिर ऑयल जो भी पसंद हो लगा सकते हैं। देखिए इसे हम अच्छे से सेक लेंगे, थोड़ा सी से हम कुरकुरा होने तक सेकेंगे। देखिए हम दोनों साइड से ऐसे सेक लेंगे। फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो पसंद है तो लाइक करें। देखिए आज हम इसे चने की सब्जी के साथ एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हमने रेड वाली चटनी ली है। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। देखिए हमारे पराठे बहुत ही अच्छे बने हैं और मेरे सारे व्यूवर्स को हैप्पी महाशिवरात्रि। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।